ने टिकटॉक की पहली सूची को जारी कर दिया है। कांग्रेस ने अलवर ग्रामीण विधानसभा सीट से कैबिनेट मंत्री रहे टीकाराम जूली पर एक बार फिर से भरोसा जताया है। उम्मीदवार की घोषणा होते ही कांग्रेस के कार्यकर्ता और समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। इस दौरान हमारे संवाददाता हेमंत जोशी ने टीकाराम जूली से खास बातचीत की। कांग्रेस ने पहले सूची जारी की, पहली सूची में अलवर विधानसभा ग्रामीण क्षेत्र से टीकाराम जूली को टिकट देकर प्रत्याशी ग्रुप में उतारा है। कांग्रेस ने भरोसा जताया है, चौथी बार भरोसा जताया है, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं आलाकमान को कि जिन्होंने एक छोटे से कार्यकर्ता को यहां तक पहुंचाया। मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं पार्टी का, जिसको टिकट भी दी, मंत्री भी बनाया, फिर कैबिनेट मंत्री बनाया, आज फिर वापिस टिकट दी है, इसके लिए मैं आभारी हूं। और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि कांग्रेस पार्टी की जो नीतियां हैं आम आदमी के लिए हैं, गरीब के लिए हैं, कि गरीब के घर में चूल्हा कैसे जले, गरीब को रोटी कैसे मिले, ये जो नीति कांग्रेस पार्टी की, इस पर मैं काम करूंगा। और अलवर ग्रामीण के अंदर जैसे पिछली बार हमने जो काम कराए, अब की बार उनसे भी कहीं बढ़ के, क्योंकि हमें पता है किस प्रकार से कामों को हमने शुरू कराया है, अब उनको आखिरी स्टेज पर लेके जाने का काम मैं करूंगा। सर, भाजपा ने पहली सूची में जयराम जाटव को प्रतिनिधि के रूप में उतारा है, इसका कैसा मुकाबला रहेगा, क्या करेंगे? मुकाबला ही नहीं है कुछ भी, ये तो जनता तय कर देगी, जनता जानती है। पहले जयराम जाटव जी भी विधायक रहे हैं 5 साल यहाँ पे, उनका क्या व्यवहार था, क्या काम थे, आज वो दो काम नहीं बता सकते जनता के बीच में। आज हमने जो काम किए हैं ऐतिहासिक, हमारे काम इतने हैं कि लिखने बैठो तो आप लिख नहीं सकते, उनके काम इतने हैं कि आप सोचने बैठो तो सोच नहीं सकते। ये हालत उनकी है, जनता उनका व्यवहार जानती है, उनका काम जानती है। वो अभी बहुत ज्यादा घमंड में चल रहे हैं, वो तो 50,000 से नीचे नहीं चल रहे हैं। जनता बताएगी, जनता के सामने रावण का ही घमंड नहीं चला तो व्यक्ति तो क्या होता है। कहीं ना कहीं जनता आपके समर्थक आपको विश्वास जता रहे, कहीं ना कहीं विरोध भी नजर आ रहा है आपका, इसको लेकर आप देखिए, दोनों ही पक्ष रहते हैं। आज जो हमारा विरोध कर रहे हैं वो कल हमारे साथ भी रहेंगे, परिवार के लोग हैं, मनाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो बहुत ज्यादा विरोध की ऐसी कोई बात नहीं। प्रदेश में, राजस्थान में कांग्रेस पार्टी रिटर्न होने की वापस बात कर रही है कि वापस आ रही है, सरकार आ रही है, अब तो जनता ही कह रही है। सरकार पार्टियां नहीं लेके आती, सरकार जनता लेके आती है। अब की बार जनता ने तय कर लिया है कि कांग्रेस का राज बना